तो भाई लोग कैसे हो। तो यार देखो, सीधा काम की बात पे आता हूँ। मैं इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ स्नाइपिंग के बारे में बात करने वाला हूँ, ठीक है, कि कैसे आप अपना स्नाइपिंग बिल्कुल तगड़ा कर सकते हो, बिल्कुल खतरनाक बना सकते हो, ठीक है। तो देखो यार, मैं फालतू बात करूंगा नहीं, आगे वीडियो का जितना भी होने वाला है वो ट्रेनिंग ग्राउंड में होने वाला है, ठीक। मैं ऐसे नहीं बताऊंगा कि भैया ये ग्लिच करके तुम ऐसे पेल दोगे, नहीं, ठीक। देखो, ट्रेनिंग करनी पड़ेगी अगर बेटर बनना है, ठीक है। देखो, दिन भर खेलने में और ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक। देखो, मैं कुछ बोलने वाला हूँ, उसे ध्यान से सुनना, फिर जो आपको सही लगे वो करना, और वो मुझे कमेंट करके बताना कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ या मैं गलत बोल रहा हूँ, ठीक है, ज़रूर बताना। तो देखो यार, एक एग्जांपल लेता हूँ। समझ लो, दो बंदे हैं, दोनों एक दिन में सिर्फ 2 घंटे खेल सकते हैं पबजी, ठीक है। दोनों को अपना गेम इंप्रूव करना है, स्नाइपिंग इंप्रूव करनी है, ठीक है। तो समझ लेते हैं, एक बंदा 4 क्लासिक खेल लेता है, ठीक है, 2 घंटे में। उसमें उसे कभी स्नाइपर मिलती है, कभी नहीं मिलती, ठीक। वो आप समझते हो यार, क्लासिक कैसा होता है, कब क्या मिलता है, ठीक है। दूसरा बंदा सिर्फ 2 क्लासिक खेलता है, लेकिन वो जो 1 घंटा है वो ट्रेनिंग में बिता देता है स्नाइपिंग करते हुए, ठीक है। तो देखो, ज़्यादा टाइम नहीं, 15 दिन बाद, ठीक है, उस बंदे ने आधे मैचेस खेले होंगे, लेकिन स्नाइपिंग किसकी बढ़िया होगी आप मुझे खुद बताओ। क्या उस बंदे की जो ट्रेनिंग में कर रहा है 1 घंटा स्नाइपिंग की प्रैक्टिस, या उस बंदे की जो 4 क्लासिक खेल रहा है दिन भर में, है ना, और उसमें उसे समझ लो एक मैच में तो स्नाइपर ही नहीं मिल रही है, एक में वो जल्दी मर जा रहा है, या ऐसे कुछ सीन हो रहा है, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताना कि आप खुद ही बताना किसकी स्नाइपिंग ज़्यादा बढ़िया होगी, ट्रेनिंग वाले बंदे की या जो सिर्फ मैच खेल रहा है, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ मजे के लिए खेलते हो, जो कि काफ़ी बढ़िया है, तो यार देखो, इस वीडियो को देखने का कोई तुकी नहीं बन रहा है, ठीक है। मजे के लिए खेलना यार, मजे करो, पिस्तल लेके घुस जाओ, ठीक है, उसमें ज़्यादा मजे आएंगे। लेकिन अगर इम्प्रूव करना है तो भैया ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब सीधा काम की बात पे आते हैं। पहली बात, दोनों स्नाइपर उठा लो, यहाँ पे खड़े हो जाओ जहाँ पे मैं ठीक खड़ा हूँ, ठीक। और ये जो आगे है ना, इन पे मारने की कोशिश करो सीधा सर पे, ठीक है। देखो, स्नाइपर है आपके पास कार 98, बॉडी शॉट मार रहे हो भैया, तुक नहीं बनेगा, ठीक है। हर बार नहीं लगेगा हेडशॉट, खासकर ऐसे में जब ये मूव कर रहे हैं, टारगेट इतना खतरनाक, लेकिन कोशिश करना कि भैया सर पे मारो, ताकि जब आप बंदों के असली मैच में मार रहे हो ना भाई, तो आपका निशाना सीधा सर पे जाए, ठीक है। और मेन बात ये है, देखो, सर पे स्कोप खोल के मारना, ठीक है, लेकिन मेन बात है आपको मूव करते रहना होगा, जैसे मैं कर रहा हूँ। देखो कैसे मचल रहा हूँ मैं, ठीक है, जैसे मछली होती है ना, मचलती है जब पानी के बाहर, तो बिल्कुल वैसे। क्यों, उससे क्या होगा, क्योंकि देखो अगर दूसरे वाले पे स्नाइपर है तो वो भी गोली चलाएगा यार, वो बैठेगा नहीं कि हाँ भाई तुम खड़े हो के आराम से शॉट लगाओगे, मैं देखता रहूँगा, नहीं, वो भी चलाएगा, ठीक है। तो मचलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हद से ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब दूसरी बात देखो, मेन चीज क्या होती है, किसका, देखो आगे वाले पे भी स्नाइपर है, आप पे भी स्नाइपर है, दोनों के पास AWM है, ठीक है। मेन चीज क्या होती है, कौन बंदा पहले निशाना लगा लेता है, ठीक, मतलब कौन पहले सर पे रखेगा और गोली चला देगा, ठीक है। तो देखो, हम ज्यादातर लोग TPP खेलते हैं हम लोग, है ना, तो क्या कर सकते हो, TPP में आप पहले ही देख लो कि आपका स्कोप किधर खुलने वाला है, ठीक। ये जो क्रॉस हेयर आता है ना, जब आप इसका आपका स्कोप बंद होता है, तब उस क्रॉस हेयर को ठीक वहाँ लगाओ जहाँ पे बंदा है, या जहाँ पे खिड़की है जहाँ से बंदा पीक कर रहा है, ठीक वहाँ लगाओ, थोड़ी देर के लिए कवर से बाहर आओ, स्कोप खोलो, स्कोप उसके सर के आसपास ही खुलेगा, ठीक है। और उतना कम एडजस्ट करना बहुत आसान होगा इसके मुकाबले कि आप कहीं दूसरी खिड़की पे स्कोप खोल रहे हो, उसके बाद लेकर जा रहे हो घिसाड़ के, है ना, तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, उतने टाइम में भैया नॉक हो जाते हैं, ठीक है। देखो, आपको भी बताया कितने जल्दी नॉक हो जाते हैं, थोड़ा सा पीक करना होता है और भैया नॉक, ठीक है। तो आप इस क्लिप में देख सकते हो यार, मैंने अपना क्रॉस हेयर, ये जो 4 लाइन और ये बिंदु है बीच में, उसे अपने टारगेट पे रख रखा है, ठीक है। तो मैं थोड़ी देर के लिए बाहर आता हूँ कवर से, मेरा स्कोप ठीक वहीं खुलता है, ठीक है, आप अच्छे से देख सकते हो, स्कोप ठीक वहीं पे खुलता है। तो TPP में ये करना आसान होता है यार, आप आराम से पीक कर सकते हो, क्रॉस हेयर को वहाँ लगा सकते हो जहाँ पे आपको पता है कि बंदा है ना। तो कभी कभी क्या होता है यार, दीवार आ जाती है, ठीक है। तो क्या होता है, आगे खिड़की होती है, पर जहाँ पे आप TPP ले रहे होते हो, वो दीवार से आप बिल्कुल एग्जैक्ट वहाँ पे निशाना नहीं लगा सकते, ठीक है। तो आप 2 चीज़ें कर सकते हो, पहली चीज़ पोजीशन बदल लो जहाँ से आप आराम से निशाना भी लगा सको, और उसके बाद बाहर जाओ कवर से, खोलो स्कोप, तब गोली चलाओ, ठीक। मतलब आप क्रॉस हेयर आराम से रख सकते हो वहाँ पे जहाँ से बंदा पीक कर रहा है, और आपको गोली भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या कर सकते हो, आपको अंदाज़ा लगाना होगा, ठीक है। आप देखो, पहले चिपक जाना दीवार से, TPP लेना, देखना किधर है वो खिड़की, कहाँ से बंदा पीक कर रहा है, थोड़ा सा पीछे आना दीवार से, पूरा मत चिपकना, उसके बाद पीक करना, ठीक। और अपना क्रॉस हेयर ऐसे रखना कि जैसे आप कवर से बाहर जाओ, तो आपका क्रॉस हेयर सीधा वहाँ पे हो जहाँ पे बंदा पीक कर रहा है, ठीक है, ताकि जैसे आप स्कोप खोलो, आपका स्कोप ठीक उस खिड़की पे खुले, और आप जल्दी से उसके सर पे एडजस्ट करके पेल दो, ठीक। और पर ऐसा क्या होगा, देखो अगर बंदा पीक कर रहा है, आपको उसको पता है कि आप किस खिड़की से पीक करने वाले हो, तो वहाँ से पीक करने में ज़्यादातर टाइम आप हारोगे, क्योंकि उसका स्कोप तो पहले से खुल रखा है, ठीक, उसने बिल्कुल लगा रखा है वहीं पे, तो जैसे आप पीक करोगे गोली वो चला देगा पहले,
ठीक है, तो मैं क्या कहूँगा, वहाँ से पोजीशन बदल लो अगर बदल सकते हो, नहीं तो आपको बहुत ही ज़्यादा जल्दी करना होगा। ठीक है, अगर आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, बिल्कुल फंस रखे हो, जोन वगैरह आ चुका है, तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी करना होगा। ठीक है, मतलब आप वेट नहीं कर सकते अपना एम फिक्स करने के लिए, ठीक है, क्योंकि उतने देर में वो गोली चला देगा, उसने ऑलरेडी फिक्स कर रखा है, तो बस पीक करना, स्कोप खोलना और बस चला देना, लग गया तो ठीक है, नहीं तो देखो स्मोक बनाना अपने ऊपर, थोड़ा सा लेफ्ट राइट जाना ताकि उसे एकदम टाइम ना मिले आपके सर पे मारने का, ठीक, और आपको टाइम मिले, क्योंकि आपको तो पता है, लेकिन जब आप स्मोक करोगे उसे 100% पता नहीं रहेगा कि कहाँ से निकलोगे आप। ठीक है, तो अब तीसरी चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो तीसरी चीज़ है यार स्विच करना, ठीक है, गन स्विच करना जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। ठीक, आप क्लिप में देख रहे हो मैं पूरा स्विच कर करके खेल रहा हूँ, इसमें प्रैक्टिस कर रहा हूँ मेनली, कि स्विच की आदत पड़ जाए, बिल्कुल जैसी गोली चले हाथ दूसरी गन पे जाए। क्यों? क्योंकि देखो कार 98 है आपके पास, ठीक, हर बार ओम नहीं मिलती यार। ठीक है, तो समझ लो आपने कार 98 या M24 से हेडशॉट दे दिया बंदे को। ठीक है, बंदे के पास था Level 3 हेलमेट, वो 10 HP है, पर आपका जब तक स्नाइपर का वो खचक खचक बोल्ट एक्शन वाला चीज़ होता है ना भाई, उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ठीक है, आधा पता नहीं कितना सेकंड लगता है उसमें, तो उतने में भैया बंदा कवर में भग सकता है। ठीक, तो क्या करना, आपको आदत बनानी होगी कि भैया एक शॉट दिया, चाहे वो हेड शॉट दिया हो या बॉडी शॉट दिया हो, अगर आपको लगता है बंदा कवर में जाने वाला है, एक शॉट देना, जो भी शॉट लगे अपनी गन बदलना और स्प्रे देना चालू कर देना। ठीक है, इसी से क्या होगा, देखो 1 HP पे बंदा बच जाए, ठीक है, हेड शॉट दे के भैया बहुत बुरा लगता है, तो गोली चला देना। ठीक, तो मैं यही कहूंगा यार कि ट्रेनिंग में आओ और गन बदलने की कोशिश करो। ठीक है, आप ये सिंपल क्लासिक में भी कर सकते हो, जैसे गाड़ी चल रही है कुछ हो नहीं रहा है ना, तो प्रैक्टिस करते रहो कि गन बदलने की आदत पड़ जाए। ठीक है, तो एक पॉइंट मैं मिस कर गया था पहले, जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि आगे दीवार आ जाती है और दिखता नहीं है ठीक से, तो बिल्कुल ये है वो एग्जांपल। ठीक है, देखो TPP ले रहा हूँ, आगे दीवार आ गई है, मैं टारगेट मुझे TPP से ठीक से नहीं दिख पा रहा है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैंने अपना अंदाजे से स्कोप, अपना क्रॉस एयर ऐसे रख रखा है कि जैसे मैं कवर से बाहर जाऊँ स्कोप मेरा सीधा वहीं खुले। ठीक है, तो पहले मैं यही चीज़ सेम टू सेम एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था, TPP लेना, एकदम वहाँ पे रखना क्रॉस एयर की, जैसे आप कवर से बाहर जाओ स्कोप सीधा वहीं पे खुले, जैसा कि मैं इस क्लिप में दिखा रहा हूँ आपको। तो यार अब बात करते हैं सबसे मुश्किल चीज़ स्नाइपिंग की। ठीक है, स्कोप खोल के भैया AWM में कोई भी चला देता है, सबसे मुश्किल चीज़ है रनिंग टारगेट को मारना। ठीक, चलते हुए बंदों को पेलना, गाड़ी में हो चाहे किसी में भी हो, वो चीज़ करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है, और वो भी हेडशॉट देना भाई। ठीक है, कितना सा हेड दिखता है पता है, जब दूर बंदा भाग रहा हो, आपने एटैक्स खोल रखा है और बॉडी शॉट तक नहीं लगते भैया, हेड शॉट तो बहुत दूर की बात होती है। ठीक है, तो देखो इसमें यार कुछ है नहीं, ठीक, इस चीज़ को आप एक ही चीज़ से सुधार सकते हो, वो है प्रैक्टिस। ठीक है, अंदाज़ा लगाना कि भाई कितना देर तेज बंदा भाग रहा है ना, कितने देर में वो कहाँ पे पहुंचेगा भाई, ये सिर्फ प्रैक्टिस से होती है। ठीक है, ऐसा ग्लिच नहीं है कि आपने ग्लिच किया, कल सो गए उठे और उसके बाद अगले दिन से आप हेडशॉट ही मार रहे हो, ठीक है, चलते हुए बंदों पे, नहीं भाई, प्रैक्टिस करनी होगी इसके लिए। ठीक, तभी मैं वही बात कह रहा था, देखो क्लासिक में और ट्रेनिंग में यही फ़र्क होता है, ट्रेनिंग में आप स्पेसिफिकली, ठीक, अगर इंग्लिश में मैं सही बोल रहा हूँ, मैं स्नाइपर की ट्रेनिंग कर सकते हो, स्नाइपर पड़ी रहती है, क्लासिक में भैया स्नाइपर मिलती नहीं कभी कभार, तो प्रैक्टिस वो भी चलते हुए बंदों पे भाई बहुत ज़्यादा दूर की बात है। ठीक है, तो देखो आप क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे खड़े हो जाओ जहाँ पर मैं हूँ, या आपको जहाँ पे भी सही लगे है ना, वहाँ पे खड़े हो जाओ, और वो जो आगे मूविंग टारगेट है ना, दूर वाले, पास वाले में करना आसान है, ठीक, पास वाले में कर रहे हो तो हेडशॉट मारने की कोशिश करना, दूर वालों में कोशिश हेडशॉट की करना, लेकिन अगर टारगेट भी गिर जाए ना भाई, बहुत ज़्यादा बढ़िया बात है। ठीक है, तो आप कैसे पता कैसे कर सकते हो, ठीक, देखो फायर बटन को अगर आप दबाए रखोगे ना, तो क्या होगा, आपका बोल्ट एक्शन में नहीं जाएगी स्नाइपर, आपका गोली आप देख पाओगे कि किधर गई गोली। ठीक है, और उससे क्या होगा यार, आप अच्छे से अंदाज़ा लगा पाओगे कि भाई इतने देर में इतना दूर जाती है मेरी गोली, तो मुझे इतना आगे मारना चाहिए। ठीक है, या फिर आप बुलेट ड्रॉप देख सकते हो। ठीक है, देखो क्या करना होता है, स्कोप खोलो, फायर बटन को दबाए रखो, जितने देर तक आप दबाए रखोगे आपकी गन बोल्ट एक्शन में नहीं जाएगी। ठीक है, और जैसे आप फायर बटन को छोड़ोगे, वो बोल्ट एक्शन वाला वो एनिमेशन होगा है ना, वो जो खचा खचा होता है, और उसके बाद दूसरी गोली आप चला पाओगे। ठीक, तो दबाए रखना, आप देख पाओगे गोली किधर गई, और मेन बात क्या है कि स्कोप पे, ठीक है, हर बार एटैक्स मिले भाई, होता नहीं ऐसा। ठीक, तो आपको सारे अलग अलग स्कोप से भी प्रैक्टिस करनी होगी भाई। ठीक है, और स्नाइपिंग के लिए देखो एटैक्स, मैं स्नाइपिंग के लिए मैं कहूँगा कि सेंसिटिविटी आपको बहुत कम रखनी होगी। ठीक है, क्योंकि इतना सा
इतना सा भी अगर आपने हिला दिया ना भाई तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, और सेंसिटिविटी हाई है तो भाई बहुत हद से ज़्यादा दिक्कत होगी। ठीक है, तो सेंसिटिविटी लो रखना हो सके तो स्नाइप बड़े बड़े स्कोप्स की, ठीक है, जैसे 6x हो गया। अगर आप स्प्रे करते हो 3x में बना के तो वो अलग बात है, थोड़ी आपको फिर बढ़ानी पड़ेगी सेंसिटिविटी। लेकिन अगर आप सिर्फ स्नाइपिंग कर रहे हो, है ना, तो सेंसिटिविटी मेरे ख्याल से थोड़ी स्लो कम रखना ताकि आपको एम करने के लिए अच्छे से हो पाए। ठीक, ऐसा नहीं कि आपने इतना सा छुआ भैया एम पता नहीं कहीं और ही पहुंच गया। ठीक है, और देखो ट्रेनिंग ग्राउंड में जाके कुछ करो मत करो, लेकिन ये चीज मत करना प्लीज। ठीक है, जो अब होने वाला है ना मेरे साथ, जो भी करेगा भैया उस आदमी जैसा मत बनना। ठीक है, ये बहुत बेकार चीज है यार, बहुत तंग हो जाते हैं लोग जो सही में प्रैक्टिस करने आए होते हैं। ठीक है, नेट कर दिया, अरे भैया क्या तू कह यार क्यों। ठीक है, मस्ती कर दी यार, आर्केड खेल लो भाई, कुछ भी कर लो, बिना गन के चल जाओ रस करने। भैया नेट यहाँ पे आके मैं तो समझ ही नहीं पाता यार क्यों लोग ऐसा करते हैं। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ यार, मजा आता है नेट करके उड़ने में, तो यार अपने आप पे करो ना, औरों को क्यों उड़ा रहे हो भाई। ठीक है, तो बस यही है यार, रिक्वेस्ट है यार ऐसा मत करना। ठीक है, लोग जो प्रैक्टिस करने होते हैं उनका भी गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, फिर आपको गालियाँ उल्टा उल्टा देंगे वो मन में, यार मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो बस भाई यार आज की वीडियो में इतना ही, कसम से गला सूख गया है, कितने देर बोल चुका हूँ मैं। तो होप करता हूँ यार कि आप प्रैक्टिस करके, अगर आपको स्नाइपिंग सही करनी है तो ऐसे करोगे प्रैक्टिस। ठीक है, और अगर आप कुछ और करते हो स्नाइपिंग प्रैक्टिस के लिए तो यार कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि और लोग और मुझे भी ठीक से पता चल सके कि भैया क्या करने से क्या ज़्यादा बढ़िया होगा। ठीक है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक, और अपने दोस्तों पे शेयर करना यार जो स्नाइपिंग वगैरह करने की कोशिश कर रहे हैं ना, क्या पता उनकी थोड़ी सी हेल्प हो जाए इस वीडियो से। और ना अच्छी लगी हो वीडियो तो यार लाइक करना। ठीक है, प्रैक्टिस करो यार दबा के। ठीक, ये गिलीच गुलीच नहीं होता यार स्नाइपिंग में। ठीक है, स्नाइपिंग वगैरह, स्नाइपिंग असॉल्टिंग, इनमें भैया प्रैक्टिस लगती है। ठीक है, और अगर नए हो तो यार सब्सक्राइब करो। ठीक है, आगे ऐसी वीडियो देखने के लिए, है ना, गेम प्ले देखने के लिए सस्ता सा सब्सक्राइब जरूर करना। और कल मिलते हैं भाई लोग, यार गला फटने सा हो रहा है, सोच रहा हूँ डिटॉल से कुल्ला कुल्ला कर लूँ, है ना, क्या पता ठीक हो जाए। तो कल मिलते हैं भाई लोग यार, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, बाय बाय। We'll be right back.